हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वक्त मैं कतर में हूँ और एक अरबी के गांव में हूँ। तो चलिए मैं आपको अरबी का गांव घुमाता हूँ और पीछे से आपको कतर का नज़ारा दिखाता हूँ, किस तरह से यहाँ गांव का नज़ारा होता है। तो देखिए, कतर की गाड़ियाँ सब खड़ी हुई हैं और ये है एक दोहा एकेडमी स्कूल है, ये यहाँ का स्कूल है। तो चलते हैं, हम गाँव का नज़ारा आपको कराते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी पांचवी कंट्री है, तो मैं सोचा लाओ एक कतर की वीडियो बना देते हैं, कतर का गांव कैसा होता है। तो लगभग सभी अरब कंट्रियों का सेम कल्चर है। तो अब मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए यूरोप निकलना पड़ेगा, दुबई टू यूरोप, और मेरी ट्रेवल हिस्ट्री भी अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं यूरोप के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे कि अगर आप टेलीग्राम चला रहे हैं तो आप टेलीग्राम में मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप को जल्द ही बनाया हूँ, अभी मेरे को लग रहा 3-4 दिन हुआ है और 33 मेंबर जुट चुके हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं, मैं इसमें बराबर इसमें वैकेंसी वगैरह डालता रहता हूँ। वैसे तो मैं एजेंट वाला काम नहीं करता, बट लेकिन वैकेंसीज जो आती है मेरे यहाँ, एक ग्रुप है और उसमें मैं बराबर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको गाड़ी में बैठ के पूरी सैर कराता हूँ इस मोहल्ले की। और ऐसे ही बहुत सारे मोहल्ले बने हुए हैं, मोहल्ला कह लीजिए चाहे उसको गाँव कह लीजिए, अरबी में मंतका बोलते हैं। दोस्तों, आप सर्च करेंगे गूगल में, ये सबसे जो कतर जो है सबसे अमीर देश है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। बहुत छोटा सा है और काफ़ी अमीर है। यहाँ पे बिल्कुल आपको गरीब बिल्कुल नहीं मिलेंगे और हर आदमी के पास यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ मिलेंगी। अभी मैं गाँव के अंदर चलता हूँ और आप देख सकते हैं, अपनी आँखों से देखिएगा उनके घर के बाहर जो है कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैं सोचा कि लाइए कतर की भी वीडियो बना देते हैं। बहरहाल दोस्तों, जितना जीसीसी कंट्रियां हैं, 6 कंट्रियां, जीसीसी कंट्रियों में 6 कंट्रियों का नाम आता है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान। तो ये 6 कंट्रियों में दोस्तों सभी का कल्चर और रहना सहना सब सेम है, मैं देखा हूँ। तो मिजाज थोड़ा सा कहीं सख्त है, कतर कुवैत वालों का थोड़ा सख्त मिजाज है और कहीं कहीं बहुत नरम है, जैसे दुबई वालों का बहुत ही नरम मिजाज है। और इन लोगों का बिजनेस पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है दुबई वालों की। ये अरबी लोगों का घर है, आप देख सकते हैं यहाँ के अरबी लोगों का घर, और बहुत ही वीआईपी और बहुत ही अच्छा जो है बनाए हुए, लुक देखने के लायक है। और गाड़ियाँ तो आप जो है देख सकते हैं, बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अगर गाड़ियों की कीमत आप देखेंगे तो आपको उसी से इनकी अमीरी का अंदाज़ा लग सकता है। आप वीडियो रोक कर इनकी गाड़ियों का जो है अंदाज़ा लगाइए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि घर में जो है 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ होती हैं। तो ये एक नॉर्मली मोहल्ला है, यानी बहुत मतलब ये देखिए किसी और बड़े अरबी का घर है। तो जो शेख वगैरह होते हैं ये शेख का घर है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये किसी शेख का घर है। तो इनके अंदर ही पार्किंग बनी, इनके घर के अंदर पूरी पार्किंग बनी हुई है। और इनके जो फैमिली ड्राइवर होते हैं वो भी बहुत ही अय्याशी और बहुत मतलब आराम से फैमिली के साथ रहते हैं। तो क्योंकि मोहल्ले में जब यहाँ पे ड्राइवर वगैरह होते हैं तो वो बहुत बारीकी से सारी चीज़ें जानते हैं। और ये गांव के देखिए शॉपिंग मॉल है, ये गांव का जो शॉपिंग मॉल है, तो अभी किसी वजह से बंद है, तो फिर से इसमें काम वगैरह सारा कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, एक वीडियो मैं बनाया हूँ कि दुबई से मैं कतर कैसे पहुँचा और क्या क्या मेरे साथ परेशानी हुई थी आने में, ये सारी वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जल्दी। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे इस मोहल्ले में ड्राइवर भाई मिले और उनसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारे इंडियन थे, और मतलब क्या चाहिए उनको, एक 34,000-35,000 की अच्छी खासी रकम जो है कमा ले रहे हैं यहाँ पे। और अगर वो इंडिया में कमाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, ज़ीरो हुई है, मतलब हाई स्कूल इंटर किया है उन्होंने, तो हाई स्कूल इंटर वालों का सोच लीजिए अपने मुल्क में क्या हाल होता है, बहुत मुश्किल से वो 10-15,000-20,000 कमा पाएंगे। और यहाँ पे मतलब मिनिमम सैलरी उनकी हो जाती है 1500-1600-1700 कतरी रियाल, और खाना पीना घर में से मिल जाता है, और इधर उधर से मतलब 1500-1600 पूरी सैलरी उनकी बच जाती है। तो ये चीज़ें होती है, यानी 34-35,000 वो एक साथ अपने घर पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, एक बिना पढ़े लिखे बंदे को क्या चाहिए, वो आराम से जो है 50-60-70,000 जो है लगा कर गल्फ में चला आता है और एक अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब वो एजेंट के थ्रू आता है तो पैसा लगता है, और दोस्त के थ्रू आ जाता है तो घर खाते में जो है पैसा नहीं लगता है। तो क्योंकि वीज़ा वगैरह सारा कुछ वो कफील देता है, जो यहाँ का अरबाब होता है वो खुद ही प्रोवाइड करता है, लेकिन वही एजेंट के थ्रू आता है तो फिर एजेंट आपस में जो है
वो अपना सर्विस चार्ज के नाम पे पैसा लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गांव का नज़ारा किस तरह से गांव है, और ये छोटा सा मोहल्ला था और इसी में मोहल्ले में मेरा दोस्त रहता है, और मैं इस मोहल्ले में आया था तो मैं कहा कि लाओ एक वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एक सामने अरबी का घर है, और इसमें आप गाड़ियां जो है काउंट करेंगे तो लगभग 5-6-7 जो है गाड़ियां मिल जाएंगी, 3-3-6-7-8 गाड़ियां हैं, 8 गाड़ियां वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो है कंपनियों की, और बहुत ही मतलब काफ़ी महंगी गाड़ियां हैं। और इस घर में देखिए 1-2-3-4, तो दोस्तों इसमें 4 गाड़ियाँ अभी 2-3 पार्किंग खाली हैं, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी 5-6 गाड़ियाँ अभी आ जाएंगी। एक एक अरबी के मतलब 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ होती है, एक मतलब लंबे टूर के लिए होती है, एक लोकल टूर के लिए होती है, फिर एक उनकी लड़की की होती है, फिर वो एक अपने एक लड़के को गिफ्ट किए होते हैं, तो कुछ इस तरह से इनका सिस्टम होता है। तो अभी ये गाड़ी देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये इनके घर के जो ड्राइवर होंगे वो कभी कभी इसकी मजा मिल जाती होगी उनको, क्योंकि कभी इमरजेंसी में कोई काम लग गया या कभी जाना हो गया तो उनको चलाने के लिए ये सब गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और दोस्तों ये है कि यहाँ पे जब आप गाड़ियाँ चलाएंगे, आप ड्राइवरी में आएंगे, तो ये सब गाड़ियाँ आपको धुलनी पड़ेगी। आपके घर में जितनी गाड़ियाँ होंगी 3-4-5, तो आपको सभी गाड़ियाँ धुलनी पड़ेगी, वो हफ्ते में चाहे धुलनी पड़े, चाहे 2 ड्राइवर मिलके धुले, चाहे 3 ड्राइवर मिलके धुले। ये है कि ज़्यादातर 2 ड्राइवर होते हैं, अगर 4-5 गाड़ियाँ हो गई तो 2 ड्राइवर हो जाते हैं, वो मतलब किसी न किसी की जो है 2 भाइयों के ड्राइवर जो है एक ही रूम में रहते हैं और उनकी धुलाई करते हैं। और ये मोहल्ले का देखिए बाहरी रास्ता है, और उसके बगल में जो है हाईवे गया है, फिर उसके बगल में एक और गाँव है अरबी का। और दोस्तों जिस दोस्त के साथ मैं घूम रहा हूँ उसी दोस्त का ये कंटेनर है, और इस कंटेनर की मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, और बहुत लग्जरी होता है, कह रहा है बहुत महंगा होता है, और इसकी एसी हरदम चलती रहती है, मतलब दिन भर एसी रात भर चलती रहती ताकि अंदर का सामान ख़राब ना हो। सोचिए यहाँ आदमी को मतलब एसी उतना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर सामान की हिफाजत के लिए वो एसी चलती रहती है। और ये कच्ची सड़क दोस्तों, ये जो है पार्किंग वगैरह का, अभी पार्क वगैरह कुछ बनाएंगे। ये है कतर के गांव का नज़ारा, जो कि दुनिया का सबसे अमीर देश है, यहाँ पे आपको गरीब बिल्कुल एक आदमी नहीं मिलेंगे। जीडीपी पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से यहाँ जो है सबसे अमीर देश कतर है। और ये एक हॉस्पिटल है, अल सिराज मेडिकल सेंटर, तो एक यहाँ का मतलब लोकल क्लिनिक है, यहाँ के नज़दीकी में जो अरबी वगैरह आते हैं तो ये आके यहीं से दवा वगैरह लेते हैं। और यहाँ की लैंग्वेज सेम है, सारा कुछ है। अब अगला टूर मेरा जो है यूरोप का होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब तक मैं कतर में हूँ तब तक ऐसे ही ब्लॉग बना के डालता रहूँगा, और अभी एक दोस्त की दुकान है बीज भंडार की, और उसकी वीडियो बनाऊँगा कि दोस्तों कतर में देखिए कैसा बीज भंडार होता है, कैसे शॉप खोलते हैं। और कमाई की बात दोस्तों, कमाई तो हर जगह होती है, कतर में, दुबई में, सऊदीया में, जहाँ किस्मत जिसकी बैठ जाए, तो हर जगह का सिस्टम है, हर जगह की अपना अपना कानून है। और मेन होता है कि अरबी जो है अगर आपको अच्छा मिल गया और आपकी कफालत अच्छी कर लिया, और सबसे बड़ी दूसरी बात मैं कहूँगा कि आपके लैंग्वेज पकड़ मजबूत हो जाए, लैंग्वेज अच्छी हो जाए आपकी, अरबी में महारत हासिल कर लें, तो उससे भी बहुत काम बन जाता है, आप अरबी से अच्छे से बात करके जो है अपनी सेटिंग बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कतर का खूबसूरत गांव था, और ये मेरी वीडियो अब यहाँ पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में डालने वाला हूँ बीज भंडार की दुकान कैसे होती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहूँगा कि मतलब कैसे कतर में क्या होता है, कैसी शॉप होती है, कैसा गांव होता है, तो बिल्कुल देसी अंदाज़ में और नॉर्मल ब्लॉग होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चा मसाला लगा के नहीं मैं ब्लॉग बनाता हूँ।